हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए DIY रंगोली लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही यूनिक होने वाली है। और इसे आप एक बार बनाएंगी और बार बार अनेकों प्रकार से सजा सकती हैं अपने घर को। आप इसे घर के सेंटर में सजा सकती हैं, दीवार के किनारे पे सजा सकती हैं, कॉर्नर पे सजा सकती हैं, यहाँ तक कि अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे दीवार पे भी पेस्ट कर सकती हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड को कट कर लिया है, और इसी के जो मतलब जो इसके किनारे हैं, चारों साइड जो इसके हैं, तो इसे थोड़ा सा छोटा मतलब 1 इंच छोटा मैंने हाफ सर्कल में इसे कट किया है। और फिर मैंने इसका सेंटर नापने के लिए मैंने रिबन लिया है, रिबन को बीचों बीच से मैंने इसे नाप लिया था। फिर उस रिबन को मैंने हाफ फोल्ड करके और नापने के बाद इसके ऊपर मैंने ग्लू गन से मतलब ग्लू से इसमें सेंटर में ग्लू लगा दिया, और बीचों बीच में मैंने ये गोटा पट्टी वाला जो फ्लावर आता है ये मैंने लगा दिया है। और उसके किनारे पे मैंने ये डोरी ली है मेजेंटा कलर की और येलो कलर की, क्योंकि ये दोनों ही कलर मेरे फेवरेट हैं। और एक्चुअली जितने भी कलर मैंने इसमें लगाए हैं वो सारे कलर मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेरे सारे फेवरेट कलर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने गोटा पट्टी का जो ये फ्लावर है इसके किनारे पे मैंने ये पिंक कलर का ये डोरी लगाया है, जो बेसिकली सब लोग अपने सूट में या ब्लाउज में लगवाते हैं। तो बस उससे थोड़ा सा मोटा वाला लिया है, क्योंकि ब्लाउज या सूट में जो डोरी लगती है तो वो थोड़ी सी पतली होती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा पतली वाली लगाऊँगी इसमें तो मुझे कई राउंड इसमें लगाना पड़ेगा, तब जाके वो दिखाई देगा। और थोड़ी सी मोटी लूँगी तो वो मतलब दूर से ही हाईलाइट होगी, और 1 से 2 राउंड में ही मेरा काम हो जाएगा। तो 2 राउंड मैंने इसमें ये पिंक वाला लगाया है और 2 ही राउंड मैंने ये येलो वाला इसमें लगाया है। तो ग्लू गन की मदद से मैंने इसमें लगाया है, आप चाहें तो इसे फैब्रिक ग्लू की मदद से भी लगा सकती हैं, लेकिन आगे का जो भी मेरा प्रोसेस होने वाला है वो पूरा ग्लू गन की मदद से होने वाला है। मतलब फैब्रिक ग्लू से इतना अच्छे से पेस्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने ग्लू गन से ही सारा मटेरियल इसमें पेस्ट किया है। और जो ये डोरी है इसकी साइड जो मतलब ग्लू गन से अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो वो उसके किनारे से धागे निकलने लगते हैं, तो इसलिए मैंने ग्लू गन का ही मतलब मदद ली है। और ये देखिए, ये पॉम्पम मैंने लगाया है लाइट पिंक कलर का, जो कि बेबी पिंक कलर है, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना स्मूदली तरीके से लग रहा है। और वीडियो में भी आप लोग देख रहे हैं कि कितना स्मूदली तरीके से ये लग रहा है, और बीच में लाइट भी थोड़ी देर के लिए चली गई थी, तो मुझे लगा कि अब तो मैं वीडियो अपना बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि पूरा काम इसमें ग्लू गन का था। तो मुझे लगा कि अब आज तो ये वीडियो बन नहीं पाएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर में ही तुरंत लाइट आ गई थी तो मेरा काम पूरा हो गया। मतलब ग्लू गन अभी ठंडा हो इससे पहले ही लाइट आ गई थी। और ये देखिए, बहुत ही स्मूदली तरीके से ये पिंक वाला तो लग ही गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है बेबी पिंक। फिर उसके बाद डार्क पिंक कलर का मैंने ये पॉम्पम लगाया है, और आप लोग चाहें तो हाथ से बना के भी इसमें लगा सकती हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं हाथ से पॉम्पम बनाऊँ और फिर उसे लगाऊँ, क्योंकि 2, 4, 10 पीस नहीं बनाने होते हैं, मिल लगाने होते हैं, इसमें काफ़ी सारे पॉम्पम की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने बाज़ार से ही ख़रीद लिए थे, और उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर का पॉम्पम लगाया है। ये सारे पॉम्पम इतने स्मूद, इतने सॉफ्ट लग रहे थे, मतलब हाथ से छूने में बहुत ही स्मूद लग रहे थे। तो आप लोग भी देख सकती हैं कि ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं देखने में भी, और देखने में लुक भी देखिए इसका कितना अच्छा आ रहा है उभर के। बिल्कुल लाइट पिंक है, फिर डार्क पिंक है, और उसके बाद ग्रीन है, और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट कलर येलो, जो कि मेरा बहुत ही प्यारा मतलब बहुत ही फेवरेट कलर है, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो येलो और पिंक का जो मतलब कॉम्बिनेशन होता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है पिंक सॉरी येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन। तो इसके बाद पिंक मैंने लगाया है और इसके बाद ग्रीन लगाया है, क्योंकि पिंक और ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने येलो लगाया है कि ये दोनों ही कलर जो होते हैं ना, मतलब येलो पे दोनों ही कलर बिल्कुल इन्हेंस होने लगते हैं, येलो ग्रीन और पिंक कलर। तो सबसे किनारे पे मैंने येलो के कलर के ये पॉम्पम लगाए हैं, ताकि इसमें थोड़ा सा मतलब गेंदे के फूल वाला लुक आ जाए, तो ऐसा लगे कि गेंदे का फूल किनारे पे लगा है, क्योंकि हम लोग इसे रंगोली बना रहे हैं तो रंगोली में गेंदे के फूल तो बिल्कुल मतलब मस्ट होते हैं। गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, तो बीच में देखिए ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब का फूल है, और उसके बाद ये पत्तियां हैं, फिर किनारे पे ये मतलब गेंदे के फूल हैं।
तो देखिए अभी भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये वीडियो में पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन ये रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। और इसमें मेरी बेटी ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की है, तो आप लोग देख सकते होंगे कि बीच बीच में कहीं कहीं पे उसका हाथ आ रहा है, जो कि वो बहुत अवॉइड कर रही थी। मतलब वीडियो में उसका हाथ ना आए इसके लिए वो थोड़ा सा मतलब अवॉइड कर रही थी, तो लेकिन फिर भी बीच बीच में कहीं कहीं पे आ ही गया है उसका हाथ। तो इस तरीके से देखिए ये स्क्वायर शेप में मैंने कार्डबोर्ड को कट किया था, लेकिन उसमें मैंने जो ये पॉम्पम लगाए हैं ये मैंने गोल में लगाए हैं, मतलब सर्किल में लगा दिया है, स्क्वायर में नहीं। तो आप लोग अगर चाहें तो इसे गोल सर्किल में भी कट कर सकती हैं, लेकिन मुझे स्क्वायर में ही कट करना था, क्योंकि चारों कोने पे मुझे ये पॉम्पम सॉरी गोटा पट्टी वाला जो ये फ्लावर होता है ये मुझे लगाना था इसके कोने निकालने के लिए, तो इसलिए मैंने स्क्वायर में इसे कट किया था। तो इस तरीके से देखिए ये एक पीस रेडी हो गया है, और अब मैंने ये हाफ सर्कल कट किया है, जो कि आप लोग सोच नहीं सकते कि इसे मैंने किससे कट किया है। मतलब इसका जो मतलब इसका मार्क किया था कट करने के लिए वो मैंने किस चीज़ से किया है, तो आप लोगों को बता दो कि जो मिरर आता है मतलब थोड़ा सा मीडियम साइज वाला मिरर होता है, मैंने उसे रखा कार्डबोर्ड पे और उसी को मार्क करके मैंने उसे कट कर लिया। मैंने सोचा अब किस कटोरी किस थाली किस प्लेट से इसे मार्क करूँ, तो सबसे अच्छा कि मतलब थोड़ा सा ये ओवल शेप में काटना था, बिल्कुल गोल में नहीं काटना था, तो जो मिरर आता है तो बस उसी शेप में मुझे चाहिए भी था और उसी शेप में मुझे दिख भी गया, तो सामने मिरर रखा था तो मैंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर मिरर को रखा, मार्क किया और उसके बाद कट कर लिया। तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है, और आप लोग भी ऐसे उसे मार्क कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास मीडियम साइज़ का मिरर है तो, क्योंकि ऊपर का जो मिरर का जो ऊपर का ये हिस्सा होता है तो कुछ इसी तरीके का होता है, तो आसानी से मुझे वो शेप मिल भी गया और सेम साइज का मिल गया जिस साइज का मुझे चाहिए था। तो उसे थोड़ा सा मैंने छोटा ऐसे कट किया है, जो स्क्वायर शेप में मैंने बीच का मतलब सेंटर वाला जो पार्ट मैंने कट किया था तो उसे 1 इंच छोटा मैंने इसे कट किया है। आप लोग चाहें तो सेम एक बराबर कट कर सकते हैं, मतलब जिस साइज का बीच का पार्ट है स्क्वायर वाला तो उसी के नाप का आप इसे भी कट कर सकते हैं, और बस जिस प्रोसेस से मैंने बीच वाला पार्ट तैयार किया है तो बस उसी प्रोसेस से मैंने इसे भी तैयार कर लिया है। बीच में गोटा पट्टी फ्लावर लगाया है, फिर किनारे पे ये पिंक कलर का मतलब डोरी लगाई है, फिर येलो डोरी लगाई है, और फिर ये लाइट पिंक वाला पॉम पॉम है, फिर डार्क पिंक वाला पॉम पॉम है, फिर ग्रीन कलर है, और फिर येलो कलर है, और फिर लास्ट में मल्टी कलर वाला पॉम पॉम मैंने लगाया है। तो बस जिस प्रोसेस से मैंने बीच वाला तैयार किया उसी प्रोसेस से सेम तरीके से इसे भी तैयार कर लेंगे, बस लास्ट में उसमें जो मैंने कॉर्नर निकालने के लिए गोटा पट्टी वाला जो ये फ्लावर लगाया था चारों कोने पे, तो बस इसमें एक ही लगेगा, सिर्फ सेंटर में लगेगा, तो इस तरीके से लगा लेना है। आप अगर अपनी तरफ से कोई यूनिक डिज़ाइन सोच रही हैं या लगाने का मतलब आपको आइडिया आ रहा है तो आप अपने तरीके से कुछ यूनिक डिज़ाइन में भी आप इसे लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लगाइए। तो इस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर लेना है, और बनने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो चलिए इसे फटाफट से बना लेते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे इंटरेस्टिंग लगे तो, या फिर मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं, समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्किल में, आप लोग किसी के भी मतलब किसी को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा मेरा चैनल जो है, तो ताकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और मतलब फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है तो उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, वो लोग भी यूनिक डिज़ाइन तरीके से मतलब यूनिक तरीके से ये रंगोली बना सकें, और जो कि ऑल टाइम डिज़ाइन ये रंगोली है। आप एक बार इसे बनाएंगी और बार बार इसे आप अपने घर को सजा सकती हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग मतलब तरीके से, और अलग अलग जगह पे। आपको अगर ज़मीन पे पसंद आता है तो आप इसे ज़मीन पे सजाइए, अगर आपको दीवार पे पसंद आता है तो आप इसे दीवार पे भी पेस्ट कर सकती हैं पीछे डबल साइड वाला टेप लगा के। तो इस तरीके से देखिए इसे पूरा तैयार कर लेना है, और जो इसका मतलब चारों तरफ का जो साइड है आप इसे ग्लू गन की मदद से सिक्योर कर दीजिए, या तो जो टेप आता है
मतलब जो पतला वाला जो टेप आता है, अभी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, तो उसे आप लगा सकती हैं। तो देखिए आप इसे इस तरीके से सजा सकती हैं, तो इस तरीके से भी सजा सकती हैं, आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी सजा सकती हैं यानी लगा सकती हैं, और ऐसे अगर मन नहीं है तो आप ऐसे भी इसे लगा सकती हैं, जैसे इच्छा हो आप वैसे लगा सकती हैं, इस तरीके से भी लगा सकती हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।